साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको ऋग्वेद का एक सूर्य भगवान का सबसे पावरफुल एक नाम है उसकी एक रेमेडी आपको दे रहा हूं। दोस्तों देखिए, अगर कहा जाए तो भगवान को किसी ने देखा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उनको मानते हैं। अगर भगवान के, यदि हम भगवान शब्द को समझें कि भगवान है क्या, तो सबसे पहले आप देखिए जो पांच तत्व होते हैं वही भगवान है, जो हमारी बॉडी में भी है, और उसमें से एक तत्व है अग्नि तत्व, जो है सूर्य भगवान। यदि भा को यदि हम देखें तो भा से भूमि पहला तत्व, गा से गगन दूसरा तत्व, वा से वायु तीसरा तत्व, आ की मात्रा लगी हुई है अग्नि चौथा तत्व, और ना से नीर यानी कि पानी पांचवा तत्व। तो जो साक्षात दिख रहे होते हैं हम उनको इग्नोर करते हैं और मंदिरों में जाकर के भगवान से पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मन्नत मांगते हैं कि हमारी ये परेशानी दूर हो। लेकिन सूर्य भगवान जो है साक्षात आपके घर में खुद आपको आकर दर्शन देते हैं, उनको आप भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको एक खास रेमेडी दे रहा हूं जो सूर्य भगवान का ऋग्वेद का सबसे पावरफुल नाम है। इसमें आपको कोई पूजा पाठ तंत्र मंत्र करने की जरूरत नहीं है। आप बिस्तर में लेटे लेटे ही सुबह इस मंत्र को यदि बोल लेते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि अमेजिंग चेंजेस आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि सूर्य जो होते हैं इनका दर्जा हमारी जिंदगी में पिता का होता है, और सूर्य जो होते हैं जैसे ग्रहों के राजा हैं, अगर सूर्य को बैलेंस कर लिया जाए तो बाकी जो ग्रह होते हैं वो भी अपना शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। तो सूर्य भगवान का आज मैं आपको एक खास रेमेडी बता रहा हूँ। और जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो मेरे चैनल पर अभी न्यू विजिटर्स आ रहे हैं, और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास दिन के कुछ खास इंडस नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता हूँ। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो आपसे मिस ना हो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन की जो बेल है और पे क्लिक कर लीजिए। तो कोई भी खास जानकारी से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी और आप उसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों यदि आप लोग काफी रेमेडीज कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, उसका रिजल्ट 0% है, तो इसका मतलब है कि आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है, या फिर आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट है जो कि अनबैलेंस है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जब तक आप बर्थ चार्ट को बैलेंस नहीं करते हैं, बर्थ चार्ट के प्लैनेट को बैलेंस नहीं करते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको नहीं मिल पाता है। ऐसी कंडीशन में यदि बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है, आपका बर्थ चार्ट कन्फर्म नहीं है, तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपके हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा, जिसका परिवर्तन आप 11 से 21 दिन में देख पाएंगे। और दोस्तों हमारे द्वारा बर्थ चार्ट में राहु को बैलेंस करने के लिए, राहु जो है कलियुग के देव हैं, अगर राहु को आपने जीत लिया तो समझ लीजिए जग जीत लिया। तो इनके 18 दिन की शावर मंत्रों के द्वारा एक विशेष पूजा कराई जाती है। अगर इस पूजा की आप बुकिंग कराना चाहते हैं और ये पूजा विधि करवाना चाहते हैं, अनुष्ठान कराना चाहते हैं, तो आप कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। इसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर है, छोटी सी माइनर फीस है, आप फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे मैं आपको दो रेमेडीज दे रहा हूं। एक तो आप हमेशा एक काम करें कि सूर्य का जो रंग होता है वो होता है लाल, और बीट जो होती है जिसे चुकंदर कहा जाता है, ठीक है, ये एक फल है, एक कहा जाता है एक सब्जी है, फ्रूट है, जो भी कह लें आप, बीट आपको यदि समझ में ना आए तो आप गूगल सर्च कर लें चुकंदर। हर रविवार के दिन में अगर आप इस फल को घर ला करके और इसको सैलड के रूप में, खाने के रूप में यूज करते हैं, तो आपके सूर्य और मंगल जबरदस्त तरीके से मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। और जो नाम बता रहा हूं, पहले आपको नाम बता देता हूं कि आपको करना क्या है। आपको सूर्य भगवान का एक सबसे पावरफुल नाम है, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ठीक है। तो इस नाम को आपको क्या करना है, जैसे आपकी नींद खुलती है तो सुबह उठ करके आप चाहे तो 11 बार, आप चाहे तो 21 बार, 51 बार या फिर 108 बार, जो भी आपको सही लगता है, ज्यादा नहीं है तो आप 21 बार ही बोल लें ओम हिरण्यगर्भाय नमः। यही क्रिया आप चाहे तो हाथ धोकर के, मुंह धोकर के जब सूर्य भगवान उगते हैं तो उनको देख के प्रणाम करते हुए बोल सकते हैं, और इसी क्रिया को आप अर्घ देते हुए एक तांबे के पात्र में जल भरें, उसमें एक लाल पुष्प चढ़ा दें, थोड़ा सा एक पीस गेहूं का डाल दें, एक पीस गुड़ का डाल दें और एक लाल धागा छोटा सा मौली वो उसमें डाल दें,
और आदि देते हुए ओम हिरण्यगर्भाय नमः इस मंत्र को आप जाप करें। इस नाम को कुछ ही दिनों में देखेंगे दोस्तों, 11 दिन में इसका परिवर्तन आपको दिखने लगेगा। आपके जो भी मनी चैलेंजेस से धन प्राप्ति के अचानक अचानक से योग बनना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी रेमेडी जो बता रहा हूं, आप किसी भी सूर्य होरा में अगर कर लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट है। एक दिन पहले बीट यानी कि चुकंदर ला करके रख लें, उसका रस निकाल लें, एक भोजपत्र का टुकड़ा रख लें और सर्च कर लें कि सूर्योदय किस टाइम पे हो रहा है। तो सूर्योदय से सूर्य उदय होने के बाद का 15 मिनट का टाइम, यानी कि सूर्योदय यदि 6 बजे हो रहा है तो 6:15 मिनट तक का जो टाइम होता है ये सूर्य हो रहा होता है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, पूरी तैयारी कर लेनी है और अपना जब सूर्य भगवान का उगने का टाइम होता है आप अपनी कंट्री के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि सूर्योदय किस टाइम पे हो रहा है। तो कहीं ऐसी जगह बैठ जाए जहां सूर्य भगवान दिखाई दे रहे हो, ठीक है, वहां पर एक घी का दिया जलाएं, पटरा लगाएं, वहां पर एक लाल कपड़ा बिछा दें, लाल कपड़े के ऊपर भोजपत्र रखें और जो अनार की कलम होगी, अनार की कलम से आपको क्या करना है, बीट का जो रस है, चुकंदर का जो रस है, उस रस से भोजपत्र पर आपको सबसे पहले चारों तरफ स्वास्तिक बना देना है। उसके बाद में उसमें आपको लिखना है 11 बार ओम हिरण्य गर्भाय नमः, ठीक है, ये नाम आपको सूर्य भगवान का लिखना है। उसके बाद में उसको फोल्ड कर दें, जब वो सूख जाता है तो फोल्ड करके सीधे हाथ में रख के 108 बार ओम हिरण्य गर्भाय नमः इस मंत्र का जाप कर लें। उसके बाद में उसको लाल कपड़े में फोल्ड करके आप चाहें तो अपने पर्स में रख सकते हैं, मतलब कि जहां भी ये रहेगा वहां पर कभी धन संबंधित परेशानी नहीं आएगी, सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। आपको देखेंगे दोस्तों कि जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में चल रहे थे, जो भी परेशानियां चल रही थी, कहीं ना कहीं से उसका सोल्यूशन निकलना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपको सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। आपको यदि जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, उनको जबरदस्त तरीके से इसमें लाभ मिलेगा। जो स्टूडेंट हैं या फिर जो व्यापारी हैं या फिर जो नौकरी पेशा हैं वो भी इस प्रयोग को करें। जिनको आर्थिक संकट बहुत ज्यादा है या जिनको मान सम्मान नहीं है वो लोग भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। मतलब कि इस एक छोटे से प्रयोग से इसके लाभ बहुत ज्यादा है, पूरे विश्वास के साथ में इसको करके देखिए। और एक छोटा सा प्रयोग और बता रहा हूं, जो जासौन का फूल होता है, गुलहड़ का फूल, इसकी सेवा यदि करते हैं, देखिए सूर्य का स्थान जो होता है मध्य होता है, तो अपने घर की टेरेस वगैरह में छत में अपने जो बीच सेंटर आपका पड़ता है वहां पर एक गुलहड़ का पुष्प गमले में लगा करके रख दें और नित्य प्रति इसकी पूजा करें, जल दें, अर्घ दें, तो बहुत ही आप दोस्तों यदि ये लाल पुष्प के गुलहड़ के पुष्प की यदि सेवा करते हैं आप और बीच सेंटर में रखें तो सूर्य जबरदस्त तरीके से एकदम पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। अचानक से ही आपके राजयोग बनना शुरू हो जाते हैं और साथ में यहाँ पर आपके मंगल भी बैलेंस हो जाते हैं। तो ये प्रयोग करिए। ऐसी कोई बात हो जो समझ में ना आ रही हो नीचे कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखें, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहां से आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, घर बैठे किसी की हेल्प करने का, किसी की मदद करने का एक अच्छा मौका मिल रहा है। इतनी रील्स वीडियो शेयर करते हैं, ऐसी जानकारी शेयर करिए जिससे लोगों को बेनिफिट मिले, लाभ मिले, है ना, तो शेयर जरूर करें। और जैसा कि मैंने बताया कि राहु को यदि आप विशेष पूजा जो हमारे द्वारा शाबर मंत्र के द्वारा की जाती है 18 दिन में इसका परिवर्तन आप देखेंगे, अमेजिंग चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। तो ये पूजा यदि बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यदि बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली, ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।